लोग समझते हैं कि जी कि जब अल्लाह ने ये कह दिया कि तुम्हारा रिज्क तुम्हें मिल जाएगा तो हमें तो फिर कोशिश करने की जरूरत नहीं है, हम तो घर में बैठे हुए हैं, सुबह हो गई नमाज पढ़ के घर में बैठे हुए लेट गए, फिर उठ गए नाश्ता कर लिया, फिर लेट गए बच्चों के साथ देख लिया, बाहर चले गए सब्जी लेकर आ गए, दोस्तों के साथ बैठ गए। अरे भाई कोई काम काज नहीं कर रहे, क्या बात है, ये मुआशी पहिया कैसे चलेगा। अरे नहीं नहीं हमने तो हदीस सुनी थी, खतीब साहब फरमा रहे थे कि हदीस में आता है कि जिस तरह इंसान की मौत ने उसको पहुंचना है, रिस्क ने भी पहुंचना है, तो रिस्क मिल जाएगा भाई, कहीं से भी मिल जाएगा। मेहनत, कोशिश, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, ये भी एक उसूल है कुरान का कि इंसान को वही मिलता है कि जिसकी वो कोशिश करता है। कोशिश ही नहीं की, मेहनत नहीं की, जहन पर जोर नहीं डाला, अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं किया, अपने शुरूर का इस्तेमाल नहीं किया, माशरे के अंदर नहीं देखा कि इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं मार्केट में लेकर के आ जाऊँ वो बिकना शुरू हो जाए, हम तो बस बैठे हुए हैं अल्लाह के भरोसे कि अल्लाह कोई ना कोई असबाब पैदा करेगा। अरे अल्लाह असबाब पैदा करेगा, लेकिन एक उसूल ये भी है कि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, कोशिश करनी होगी भाई, मेहनत करनी होगी भाई, अपना वक्त लगाना होगा, दिमाग भी लगाना होगा और ज़रूरत पड़े तो पैसा भी लगाना होगा, ज़हनी सलाहियतें, माली सलाहियतें, जिस्मानी सलाहियतें, सब कुछ लगाना होगा, तब जाके कोई रिजल्ट आपके सामने आएगा।